हाय एवरीवन, अगर आप आने वाले दिनों में या अगस्त मंथ में गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि गोवा में वेदर कैसा रहेगा अगस्त मंथ में और क्या बीच में जा सकते हैं, ऐसे काफी सारी चीजों के कमेंट्स आ रहे थे। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोवा में अगस्त मंथ में वेदर कैसा रहने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे आपको साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा कौन सा ट्रिप करना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे अगर आप अगस्त मंथ में गोवा जा रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज होंगे इस मंथ में जाने के और क्या डिसएडवांटेज होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि आपको स्टे कहाँ पे लेना चाहिए गोवा में, कहाँ पे अपना होटल बुक करना चाहिए, कौन से एरिया में। इसके अलावा गोवा में आपको अगस्त मंथ में कौन से टूरिस्ट प्लेस है जो आपको कवर करने चाहिए और वहाँ पे आपको स्कूटी रेंट कहाँ से लेनी है, कितनी कॉस्ट आएगी। और इसके अलावा आपको नॉर्थ और साउथ के लिए कौन सा रेलवे स्टेशन ईजी पड़ेगा, पास पड़ेगा, और वहां से क्या ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट, ट्रैवल इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जो गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हो कमिंग डेज में। सबसे पहले बात करते हैं कि अगस्त मंथ में गोवा का वेदर कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप इस माइंडसेट से मत जाना कि वहां पे आपको नवंबर दिसंबर वाला वेदर मिलेगा, क्योंकि ये जुलाई अगस्त सितंबर का जो टाइम होता है यहाँ पे काफी बारिश होती है, तो आपको पता नहीं कि किस समय हैवी रेन होने लगे, किस समय बारिश होने लगे, ये चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस माइंडसेट से मत जाना कि आपको वहाँ क्लियर वेदर मिलेगा। बारिश होगी, बिल्कुल होगी, आपके ट्रिप में बारिश आएगी, हो सकता है कम आए, हो सकता है ज्यादा आए, बट ये कह नहीं सकते, बट आपको बारिश वहाँ पे जरूर मिलेगी इस समय पे। तो अगर आप बारिश में वहाँ एंजॉय कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत कुछ मिलेगा इस सीजन में भी आपको करने के लिए वहाँ पे, तो आप बिल्कुल अपना प्लान कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको साउथ गोवा प्लान करना चाहिए कि नॉर्थ गोवा। देखिए, साउथ गोवा जो है वो काफी पीसफुल एरिया है, आप वहाँ बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगस्त मंथ पे वहाँ जाने में ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। रीजन ये है कि वहाँ के बीचेस काफी फेमस है, लेकिन इस समय हाई टाइड के कारण चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपके बीचेस क्लोज रहें, तो इस समय में साउथ गोवा प्लान करना सही नहीं है। लेकिन अगर गोवा की बात करूं तो उसकी असली सुंदरता साउथ गोवा में ही है। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है, आपको बारिश में आप प्लान कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो डे टूर ले लें नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा का, एक दिन का बसेस जाती हैं और काफ़ी सारे टूर पैकेज मिल जाते हैं, या तो आप वो ले लें, या अगर आपको साउथ गोवा जाना ही है तो आप इस समय अगर जा रहे हैं तो सिर्फ आप एक दिन का स्टे ले सकते हैं, वन नाइट वहाँ स्टे कर लीजिए और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करके आप वापस आके नॉर्थ गोवा में स्टे कर सकते हैं। क्योंकि अगस्त मंथ में अगर आप जा रहे हैं तो सारा एंजॉयमेंट आपका नॉर्थ गोवा में होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके नाइट क्लब्स, क्राउड भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा नॉर्थ गोवा में कंपेयर टू साउथ गोवा। तो आप जितने दिनों का भी प्लान कर रहे हैं तो आप हार्डली एक दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, चीज़ें घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं एक आध दो दिन के अंदर, उसके बाद के बाकी दिन आप नॉर्थ गोवा में एंजॉय करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए, सबसे पहले बात करूं कि डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे मेन पॉइंट्स ये हैं कि आपको वहाँ कभी भी हैवी रेन फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप इस मंथ में जा रहे हैं तो आपको हैवी रेन कभी भी मिल सकती है। दूसरी चीज़, आप इस समय पर जा रहे हैं तो गोवा के बीचेस आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैवी रेन के कारण, हाई टाइड के कारण ये अलाउ भी नहीं होता और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है। हो सकता है आपको कुछ बीचेस में जाने को मिल जाए, बट आपको पानी के पास जाने नहीं मिलेगा या फिर आपको वहाँ पे नहाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, तो आप ऐसा रिस्क भी मत लेना। और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, तो एक बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको इस समय पे बीचेस का जो एटमॉस्फेयर है वो आप फील नहीं कर पाएंगे। बात करूँ एडवांटेज की, तो एडवांटेज काफ़ी सारे हैं। पहला पॉइंट करूँ कि आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, जैसा आपको नवंबर या दिसंबर में दिखता है वैसा क्राउड नहीं मिलेगा, आप आराम से घूम सकते हैं। सेकेंड, आपको वहाँ का वेदर काफ़ी पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा बारिश अगर नहीं होती है तो आपका वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा मिलेगा, आप आराम से वहाँ घूम सकते हैं, ज़्यादा हीट भी नहीं होगी। इस समय पे आपको गोवा की असली ग्रीनरी भी देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा समय होता है। इसके अलावा इस सीजन में आपको वहाँ के जो होटल्स हैं उनकी कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि ये एक ऑफ सीजन कहलाता है, वापस अक्टूबर से सीजन बढ़ता है, लेकिन ये आपको जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तक आपको होटल कॉस्ट भी कम आएगी। जो होटल आपको 2,500-3,000 के मिलते हैं वो आपको 1,500-2,000 में मिल जाते हैं, तो आपको होटल कॉस्ट भी कम आएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपको होटल कहाँ पे लेना चाहिए और इनकी कॉस्ट कितनी आ सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आपको होटल अगर लेना है तो ऐसी लोकेशन में लो जहाँ से आप सारी चीज़ें इजीली कवर कर पाओ, जैसे कैंडोलिन, बागा, कैलंगूट, वैगाटोर, अंजुना, ये सारे प्लेसेस एक सेंटर पॉइंट होते हैं। यहाँ से सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं ये काफ़ी आपको क्लोज पड़ते हैं और नाइट लाइफ भी आपको इसी लोकेशन पर मिलती है, तो ये बेस्ट प्लेसेस हैं, इनके आसपास अपना होटल ले सकते हैं। बात करूँ कॉस्ट भी, तो मैंने आपको पहले बताया जैसे कि आपको इस समय पे आपको काफ़ी सस्ते होटल मिल जाते हैं। अगर आप मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको 300-500 के बीच में
हॉस्टल मिल जाएंगे। अगर आप हॉस्टल में कंफर्टेबल हैं स्टे करने में तो आप हॉस्टल ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको होटल रूम लेना है तो आपको 1,000 से 2,000 के बीच में काफ़ी अच्छे होटल रूम भी मिल जाते हैं। मेरा सजेशन यह है कि जब आप अपना होटल बुक करें तो उनकी रेटिंग एंड रिव्यूज़ अच्छे से एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद अपना होटल आप बुक कर सकते हैं। तो ये हुई होटल्स की बात। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप इस समय पर जा रहे हैं तो ऐसे कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जो आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बीजे से कुछ ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे नहीं, तो आपके पास कुछ टूरिस्ट प्लेस पता होने चाहिए जहाँ आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे पहले अभी तक का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं अगवाड़ा फोर्ट। ये आपको बागा बीच के पास से 9 से 10 किलोमीटर का पड़ता है, आप यहाँ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मेरा इसमें सजेशन ये है कि आप मॉर्निंग के टाइम जाएँ क्योंकि वहाँ पर क्राउड कम रहेगा तो आप आराम से घूम पाएंगे। उसके बाद आप जा सकते हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस अगवाड़ा फोर्ट के जस्ट आगे है। ये आपको पूरा वहाँ से सी का व्यू मिलेगा, अगवाड़ा फोर्ट भी दिखेगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप बिल्कुल जाएं, मैं भी गया था, काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है वहाँ से और आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे फोटोज भी अपने निकाल सकते हैं। तो आप लाइट हाउस भी जरूर जाएं, ये जस्ट अगवाड़ा फोर्ट के आगे ही है। नेक्स्ट है मैगोज फोर्ट। ये बिल्कुल आप मिस मत करना, यहाँ पे कम टूरिस्ट जाते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा व्यूज मिलता है आपको यहाँ से, आप बिल्कुल इस फोर्ट को मिस मत करना। यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपीज़ है, बट आप इसको बिल्कुल मिस मत करना, एक बार आप जरूर विजिट करना। यहाँ पे आपको अगवाड़ा फोर्ट से कम क्राउड मिलेगा और आपको काफी कुछ हिस्टोरिकल चीजों के बारे में भी पता चलेगा। नेक्स्ट है पारा रोड। अगर आप अगस्त मंथ में जा रहे हैं तो बारिश के बाद यहाँ का व्यू और भी अच्छा आएगा। यहाँ पे रिसेंटली शाहरुख खान की डियर जिंदगी मूवी आई थी तो यहाँ पे भी इसके कुछ सीन शूट हुए थे, तो आप बिल्कुल पारा रोड भी कवर करें, अपनी लिस्ट में जरूर रखें। इसके बाद मैं आपको पंजिम के कुछ प्लेस बता रहा हूँ, जैसे बेसिलिका ऑफ बोम जैसा एक चर्च है, ये गोवा का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट चर्च है, आप इसको जरूर कवर करें। यहाँ पे एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है, ये काफ़ी बड़ा चर्च है तो आप इसको बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप इसको जरूर विजिट करें। इसके अलावा पंजिम में ही है लेडी ऑफ कंसेप्शन चर्च, यहाँ पे सिंघम मूवी के भी कुछ सीन शूट हुए थे तो आप इस चर्च को भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद पंजिम में है फाउंटेन हिल्स, इसको आप जरूर कवर करें। ये एक कलरफुल हाउसेस की स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे फोटोज एंड रील्स देख सकते हैं, बना सकते हैं आप। आपको यहाँ के काफ़ी फोटोज एंड रील्स भी आपको इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, तो आप इस प्लेस को भी जरूर कवर करें। इसके अलावा एक डोनापोला व्यू पॉइंट है, यहाँ पे भी सिंघम मूवी का सीन शूट हुआ था और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सीनरिक व्यू मिलेगा, तो आप डोनापोला व्यू पॉइंट को भी जरूर कवर करें। और एक मेन प्लेस की बात करूँ, आप कैसिनो जा सकते हैं, आप पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद इवनिंग में चाहें तो आप कैसिनो जा सकते हैं, ये भी पंजिम में अवेलेबल है। यहाँ पे काफ़ी सारे कैसिनो हैं, सबके अलग अलग प्राइजेस हैं, ये प्राइजेस 1000 से स्टार्ट होकर 4-5-6 हज़ार तक जाते हैं, तो आपको वहाँ पे जो भी कैसिनो में जाना हो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस पूरे पैकेज में आपको फूड ड्रिंक जो भी पैकेज के अकॉर्डिंग आपको मिलता है आप वो एंजॉय कर सकते हैं अंदर जाके, तो आप गोवा में कैसिनो का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस आप 3 से 4 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एवरीडे आप नाइट लाइफ के लिए टिटोस लेन जा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं, इंडोर क्लब्स हैं, ओपन क्लब्स इस समय बंद हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो आपको इंडोर क्लब्स मिलेंगे, आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको बागा बीच के टिटोस लेन में काफ़ी सारे नाइट क्लब्स मिल जाएंगे, आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको काफ़ी सारे बार पब भी मिल जाएंगे, अगर आपको कहीं एक्सप्लोर करने नहीं जाना है तो आप दिन में बैठ के या फिर अगर बारिश हो रही है तो आप आराम से वहाँ बैठ के ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपको स्कूटी रेंट की कॉस्ट क्या आएगी और आपको कैसे मिलेगी, देखिए आपको गोवा में जिस तरह से हर 200-500 मीटर में लीकर की वाइन शॉप आपको मिल जाती है, ऐसे ही आपको गोवा में स्कूटी रेंट की हर 200-500 मीटर में शॉप मिल जाएगी रेंटल सर्विस की, आप वहां से स्कूटी रेंट कर सकते हैं या फिर आप जिस होटल में स्टे कर रहे हैं वो भी आपको अरेंज करा देते हैं, वहां पर भी काफ़ी रेंटल सर्विस वाले बैठे रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो आप स्कूटी काफ़ी इजीली रेंट कर सकते हैं। और इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको स्कूटी रेंट पे चाहिए होगी, या तो आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं या फिर आप कार चाहें तो आप कार भी रेंट पे ले सकते हैं। देखिए इस सीजन में आपको आराम से 250 से 300 रुपये के बीच में स्कूटी रेंट पर मिल जाती है, वही अगर आप पीक सीजन में जाते हैं दिसंबर जनवरी के टाइम पे तो यही 500 से 700 के बीच में आपको स्कूटी रेंट पे मिलती है, तो आपको 300 में आराम से स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी, फ्यूल आपको खुद फिल कराना पड़ता है, इसके लिए आपको एक अपना आईडी प्रूफ जमा करना पड़ता है और व्हीकल जब रिटर्न करते हैं तो आपको वो वापस मिल जाता है। और स्कूटी रेंट लेते समय आप उसका एक वीडियो जरूर बना लें, अगर उसमें कोई डैमेज हो, स्क्रैचेस हो तो वो आपके ऊपर ब्लेम ना करें, उसके लिए आप अपने पास एक वीडियो बना के जरूर रख लें। और आपको स्कूटी के साथ एक हेलमेट जरूर मिलेगा क्योंकि गोवा में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होती है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो आप उस हेलमेट को हमेशा लगा के गाड़ी चलाएं और आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप पहले नॉर्थ गोवा कवर कर रहे हैं, ये बागा केलंगूट वाला एरिया, तो आपके लिए थेमन रेलवे स्टेशन काफ़ी पास है, आप वहाँ पे उतर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको साउथ गोवा कवर करना है या फिर आप पहले साउथ गोवा जा रहे हैं तो आप मडगांव रेलवे स्टेशन जा सकते हैं,
वो साउथ गोवा के लिए काफी पास पड़ेगा आपको। दोनों ही जगह से आप टैक्सी रेंट पे करके अपने होटल तक जा सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकल ट्रांसपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट उसके लिए आपको एक दो बस बदल के अपने होटल तक जाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं या फिर आप टैक्सी बुक करके भी अपने होटल तक जा सकते हैं। तो यही सारी अपडेट्स थी अगस्त मंथ की गोवा के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें जो गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ।